अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, मैं हूं मियां उमर फरूक। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल उमर एंड सरफराज व्लॉग्स। जी तो फ्रेंड्स, आपको आज सेकंड डे इनका बहुत 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 मुबारक हो। मैं अपनी रूटीन तो आज मैं बहुत लेट उठा हूं। मैं रात को कहीं पे गया हुआ था, वहां से सुबह आया 6 बजे के करीब में आया। आके फिर मैं चांद रात से पहले दिन का जाग रहा था, 2 दिन मुसलसल जाग रहा था। तो फिर ना मैं आते ही जो सो गया, फिर मैं उठा 4 बजे उठा। 4 बजे उठ के उसके बाद मैंने नाश्ता वास्ता हल्का फुल्का किया और फिर मैंने कपड़े चेंज किए, कपड़े नहाया, कपड़े प्रेस करके फिर उसके बाद मैं ये सोचा कि अब मैं अपने फ्रेंड्स के लिए एक अच्छा सा खूबसूरत सा छोटा सा बाहर जाता हूँ कहीं पे घूमने के लिए और वहाँ पे आपके लिए एक व्लॉग रिकॉर्ड करता हूँ। तो चलें आए चलते हैं बाहर, चलें साथ रहिए, आ जाइए। फ्रेंड्स, मैं घर से निकल आया हूँ और ईद के दूसरे दिन जो रौनक कम है, लेकिन लोग आज का दिन जो होता है ना, लोग ज़्यादातर लोग अपने अजीज़ों के घर चले जाते हैं। जो होती हैं घर की वो भाभी वगैरह होती हैं, वो अब मेके चली जाती हैं और इस तरह भाई जो होते हैं, भाई भी साथ चले जाते हैं। सारे जो है ना अपने फैमिली मेम्बर्स को मिलने के लिए ना अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। और मैं तो नहीं गया, लेकिन आप लोग तो आप लोग भी गए होंगे। तो मैंने फिर वैसे सोचा, मैं क्या घर से बाहर जाता हूँ जाके, तो फिर ना यार ब्लॉग बना के आता हूँ। चलो इस तरह थोड़ा मेरा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा और आपसे बात भी हो जाएगी। तो चले साथ रहें। तो फ्रेंड्स, आप रोन के देख लें कि सड़क के ऊपर माशाल्लाह बड़ी रौनक है। तो मैं आपको आगे एक बड़ा प्यारा व्यू आना है हमारे रिंग रोड का, मैं आपको वो दिखाऊँगा, वो बड़ा ही खूबसूरत है। मैं उस पर अक्सर आता रहता हूँ जब कभी मेरा दिल सैड होता है ना, मतलब के, तो मैं अकेला यहाँ पे आके वैसे ही खड़ा रहता होता हूँ। आज मैं आपको वो भी जगह दिखाता हूँ। ये जी हमारे यहाँ पे बस्सी मोड़ का गोल चक्कर है, यहाँ पे बस्सी मोड़ का गोल चक्कर है, साथ ही रिंग रोड है, सियालकोट मोटरवे भी इसके पास ही है। बड़ा खूबसूरत यहाँ पर अंदर पार्क बनी हुई है और ये देखें आप, तो यहाँ से सामने पुल ऊपर चढ़ता है, ये पुल ऊपर जाता है। इधर लोग काफ़ी लोग बैठ के क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं, क्रिकेट और लड़के अंदर वो आदमी बड़े बड़े बैठ के, साइड पे पार्क है एक बहुत बड़ी, वो ताश उधर बैठ के ताश भी खेल रहे होते हैं। चले आए, मैं आपको वो व्यू दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो व्यू मैं आपको दिखाना चाह रहा था ना, वो यहाँ से शुरू होता है और मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये देखें, एक साइड ये वाली है और दूसरी वाली साइड भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये व्यू बड़ा ही प्यारा है, साथ में एक बड़ी सी पार्क है, वो देखें पार्क के अंदर बहुत सी बड़ी दुनिया आई हुई है। हम वहाँ पर भी चलेंगे और ये ना ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ पर आए हों तो उस पार्क में होने के बगैर जा सके। इधर से इसमें हो के मैं जाऊंगा ज़रूर और अंदर की रौनक मैं आपको दिखाऊंगा, बच्चे कैसे खेल रहे हैं। और ये देखें, देखें बड़ा खूबसूरत एक ना सीन है। यहाँ पे पुल है, पुल के ऊपर खड़े होके यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है। जब ख़ास तौर पे बारिश हो रही होती है ना, तब जो है ना, तब यहाँ पर रुकने का बड़ा ही मज़ा आता है और मैं अक्सर दोस्तों के साथ इधर आता रहता हूँ। तो चले आएँ, मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ। दूसरी तरफ भी बड़ी खूबसूरत जगह है और ये देखें, इस साइड से भी देखें हवा बड़ी अच्छी चल रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है। चले आएँ, दूसरी तरफ चलते हैं। जी तो फ्रेंड, हवा बड़ी अच्छी चल रही है और आप मेरे साथ रहें, मैं आपको उस साइड पर लेके जाता हूँ और मैं आपको उधर की भी जो खूबसूरत सा एक मंज़र है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उधर से आ, उधर से ध्यान से आना। तो फ्रेंड्स, मैं उस खूबसूरत नज़ारा मंजर जिसको मैं कहता हूँ उसके पास आ चुके हैं। चले मैं वो भी आपको दिखाता हूँ और चले खूबसूरत मंजर ये वाला है, ये देखें वो मैं आपको दिखाता हूँ। मोटरवे जो है ना, वो जो पुल आपको नज़र आ रहा है ना, वो सियालकोट मोटरवे का है।
और हवा बड़ी तेज चल रही है। तो ये देखें कितना प्यारा व्यू है यार, यकीन करें कि बड़ा मज़ा आता है कि जब मैं यहाँ पे इस व्यू के लिए मैं ख़ास तौर से पे घर से आता हूँ यार। अब यहाँ पे ना हवा बड़ी अच्छी चल रही है, इर्द गिर्द ये देखें पार्कें बनी हुई हैं, यहाँ पे भी एक छोटा सा गोल चक्कर सा बना है और ये सारी चीज़ है। और वो देखें साथ में खेत हैं, बड़े खूबसूरत खेत हैं। चलें तो आए पार्क में चलते हैं, पार्क में चल के बच्चों का हल्ला गुल्ला आपको दिखाते हैं और साथ में वहाँ पे जो बड़े बड़ों की रौनकें हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलें आ जाए साथ, फौरन आ जाए। तो फ्रेंड्स हम पार्क के बिल्कुल पास पास पहुँच चुके हैं। तो ये देखें पार्क का हिस्सा जो है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, उसके इर्द गिर्द इस तरह से है, यहाँ से सब कुछ नज़र आपको आएगा। और अभी अंदर भी चलेंगे, बहुत ज़्यादा रश है, नज़र आपको आ रहा होगा बहुत ज़्यादा रश है। तो अभी अंदर चलते हैं, अंदर चल के हम आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं पार्क के अंदर, अंदर तो नहीं, यहाँ पे एक फुटपाथ है, ये देखें इस फुटपाथ को क्रॉस करेंगे और अंदर चलेंगे। चलें आ जाएं फुटपाथ क्रॉस करें और मैं अंदर चल के आपको रोन के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अंदर आ चुका हूँ पार्क के, तो मेरा कैमरा ऑपरेट करने के लिए अदी भाई आ गए हैं। तो चले आ जाए अदी भाई, हम अंदर की सैर करते हैं थोड़ी सी। फ्रेंड मगरिब की अजान होने वाली है, लेकिन देखिए आवाम का जो जोश है, जो जज्बा है, वो किस तरह उसी तरह ही बहाल है जिस तरह कल था। तो हम भी उसी जज्बे में शामिल होने के लिए साथ हैं, आ जाओ अभी। तो फ्रेंड्स देखें कितना ज़्यादा रश है, इस रश में देखें आवाम, बच्चे छोटे बड़े मिलजुल कर हिस्सा ले रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, कुछ बैठ के गप्पे मार रहे हैं, तो कुछ जो है अपना बातें शातें कर रहे हैं बड़े लोग। और आप देखें कितना मज़ेदार व्यू है, मुझे तो मज़ा आ गया यार सेकंड डे का। अदी भाई मज़ा आ गया। तो ये देखें कितना जोश है आवाम में, बच्चों में ख़ास तौर पे, बच्चे फुल मज़े कर रहे हैं। तो आए आगे चलते हैं, आगे चल के आपको थोड़ा सा मैं आप इसका व्यू दिखाता हूँ। आगे मेरे साथ। तो फ्रेंड्स आगे मैं आपको सैल करवाता हूँ, पूरी सैल करवाऊँगा आपको और आपको इनके मज़े दिखाता हूँ। लोग सेल्फियाँ बना रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं सेल्फियों के साथ साथ, वो देखे वीडियो भी बन रही हैं, टिकटॉक पे भी वीडियो बना रहे हैं। तो मैं आपको ये सब कुछ दिखाने के लिए घर से लेके आया हूँ। वो देखे साथ में रिंग, वो जो हमारा रिंग रोड है वो चल रहा है, बड़ा इस पार्क का खूबसूरत मंजर है। वो पुल आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ से, वहाँ पे आगे हम आपको खड़े होकर व्यू दिखा रहे थे इस पार्क का। तो चले आए आगे चलते हैं। ये साथ मेरे साथ मेरा मेरी सिस्टर का बेटा है अदी, तो इसको मैं साथ लेके आया हूँ। तो मैंने कहा चलो मेरा कैमरा ऑपरेट करेगा, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। यकीन करें कि ना जो सभी लोग, ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है, पार्क का इंजॉय तो आप लोगों को पता है कि पार्क में कितना मज़ा आता है। तो इसीलिए मैं भी इसी वजह से, ये हमारे पास ही है तकरीबन 15-20 मिनट का रास्ता है, तो मैं भी इसी वजह से पार्क में आके इधर खड़ा हो गया कि मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, एक व्लॉग बनाता हूँ। तो जो है ना लोग, कुछ तो मैंने आपसे पहले भी बात की, कोई अपने रिश्तेदारों के घर में चले जाते हैं तो कुछ, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, मुझे तो यहाँ पे जो मौजूद लग रहे हैं ना, वो रिश्तेदारों के घर में जाने वाला कोई भी चक्कर नहीं लग रहा, लोग फुल फुल डुल के मौजें कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, और मैं भी उनके साथ ही इंजॉय करने के लिए बीच में ही हूँ। तो आज यदि आगे चलें तो मैं इनको आपको साथ साथ व्यू दिखाता जाता हूँ कि यार बड़ा जो है ना मज़ेदार, ये देखें। देखें बैलून कितने प्यारे, तीन बैलून है, एक ही कलर के हैं, तीन बैलून एक ही कलर के बैलून है, कितने प्यारे हैं। ये मैं आपको यही दिखा रहा हूँ कि आवाम का जोश देखें, आवाम का जज्बा देखें, कि बड़ा मज़ा आ रहा है। और आप लोग मुझे कमेंट में बताना है आपको कैसा लगा है मेरा व्लॉग, लोगों ने जो अभी भी खुशी की लहर है, मुझे तो कल का भी दिन जो है वो भी इसी तरह लग रहा है कि आवाम फुल फुल डुल के सामने आएगी फिर कल मैदान में,
जो जिस तरह आज आवाम बाहर निकली है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें कोरोना जैसी वायरस से महफूज फरमाया है और अब हम फुल दिल से अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ ईद मनाने के लिए बाहर निकले हैं। तो आज वो आगे चलते हैं। ये देखें भाई, फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे भी और भाई भी, और कोई कुछ काम कर रहा है। ये भाई आलू चने वाले बैठे हैं और कुछ बैलून पकड़ के सामने खेल रहे हैं, और वहाँ पे वो देखें शॉपर वाले। ये हमारे वक़्त में छोटे होते थे ना अदी भाई, तो ये इस तरह के जो ये जो बच्चा बैलून उड़ा रहा है ना शॉपर वाला, इस तरह का हम इसके साथ खेलते होते थे। तो ये देखें वो टोली बन के लूडो खेल रहे हैं, ये देखें लूडो खेली जा रही है, और आवाम में बहुत ही जोश है, बहुत ही जज्बा है। नीचे पानी खड़ा है तो ध्यान से अभी, तो आ जाओ आगे चलते हैं। तो यहाँ पे भाई जान इधर आओ, यहाँ पे गोलगप्पे वाले भाई हैं, गोलगप्पे खाने खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं यहाँ से। भाई कितने की प्लेट है? 150 की प्लेट है, प्लेट दे दें एक। तो हम यहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए रुके हैं, तो देखते हैं भाई क्या करते हैं। देखिए पहले से मेरे ख्याल में बना के रखे हुए हैं इन्होंने, चले भूख लगी थी फिर भूख के वजह से फिर खाने पड़ रहे हैं। क्यों अदि सही है? तो और कुछ कहोगे? थोड़ा पीछे हट के खड़े हो ना। हो गया चले, तो बोलने पे आते हैं तो फिर हम आपको दिखाते हैं और साथ हम मिलके खाएंगे। तो अदि भाई ने प्लेट पकड़ ली है गोलगप्पों की, और बस अदि भाई मज़े के कद्दार होंगे कि नहीं होंगे? इधर आ जाओ बैठ जाओ अदि। अदि पहले आप खा के मुझे बताओ। गोलगप्पों की प्लेट मेरे हाथ में है, मैं नीचे ज़मीन पे इसलिए नहीं बैठ रहा यार, इसके बाद में उठना मुश्किल हो जाएगा। चलो मैं आपको खा के ट्राई करके बताता हूँ किस तरह के हैं। अभी ये खट्टे में लगा। हाँ जी बड़े मज़ेदार हैं, जहाँ भूख लगी है इस वजह से मुझे मज़ेदार लगे हैं। क्यों अदी कैसे हैं? बहुत मज़ेदार है, मज़ेदार है। तो चले हम खाते हैं तो फिर आपसे बात करते हैं। गोलगप्पे को फिनिश कर लिए हैं तो चले आए आगे, अभी शाम होने वाली है तो आगे चल के रूम के चेक करते हैं फिर आपको भी खाते हैं। चले आ जाए, गोलगप्पे हमने खा लिए हैं और जो क्या उसका नाम है, मज़ा आ गया, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो अब गोलगप्पे तो खा लिए हैं, चले आए आगे चलते हैं, आगे चल के हम आपको पार्क का व्यू दिखाते हैं और साथ आपके साथ बात करेंगे। चले आ जाए अदि भाई और मैं ना, पहले आगे घूमने से पहले हम यहाँ पे, हमारी बाइक नहीं मिल रही, मिल गई है? हाँ चलो मिल गई है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, इस तरफ हम आपको सारा व्यू दिखाएंगे। बड़ा ही मज़े का, बड़ा मज़ा आ रहा है भाई जान। अदि मज़ा आ रहा है ना? हाँ जी बहुत ज़्यादा आ रहा है। और पार्क में सभी के सभी अपने अपने प्यारों के साथ बैठे हुए हैं, गप्पे शप्पे मार रहे हैं, और बड़ा ही जिसको कहते हैं ना मज़ा आ रहा है। मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है और आवाम को भी बड़ा मज़ा आ रहा है। तो व्यू चेक करें आप, तो फ्रेंड्स आपको व्लॉग कैसा लगा है, आपको व्लॉग में क्या क्या अच्छा लगा है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। और मैं अब यहाँ पे आपको जो भी है यहाँ का मज़े वो सारे मैंने आपको दिखाए हैं, और कुछ अगर रह गया हो तो
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए यही सारा कुछ था। और यहाँ से गाड़ियों का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, मैं इसके करीब आ गया हूँ, ये देखें। कैसा लगा है आपको मेरा व्लॉग और कैसी लगी है आपको मेरी वीडियो? जिस जिसको तो मेरी वीडियो पसंद आई हो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन।